हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके पे हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग आपके जितने भी ट्रिक वगैरह होती है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इसके साथ ही अपन बात कर रहे थे जो आपके राजस्थान जीके को लेकर, राजस्थान जीके के अंतर्गत जितने भी आपके 6th क्लास से लेकर 10th तक की बुकें हैं उनका सबका सारांश दिया गया है। उसके साथ साथ ही आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका भी इसके अंतर्गत अपन क्या करने वाले हैं, व्याख्या करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। बात करें मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस जो आपके वेद था उसमें मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, समवेद में मिलता है या अर्थवेद के अंतर्गत मिलता है। तो मत्स्य जनपद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो आपके ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है। क्या ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है? और मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? आपकी विराटनगर जयपुर वाली थी। तो अब विराटनगर जयपुर के अंतर्गत तो आता नहीं है, तो आप कौन से जिले में आता है ये आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना है कि जो आपका विराटनगर है वो कौन से जिले में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काफ़ी शानदार, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो श्री दरबार सिंह जी की हुई थी, श्री निर्मल चंद्र जैन की हुई थी, या श्री शैलेंद्र कुमार सिंह की हुई थी, या श्री कैलाशपति मिश्र की हुई थी। तो एक व दो सही है, एक व तीन सही है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो पद पर रहते हुए राज्यपालों की मृत्यु हुई है वो किन किन की हुई है? आपके जो आपके श्री दरबारा सिंह थे उनकी हुई है, श्री निर्मल चंद जैन की हुई है, शैलेंद्र कुमार सिंह जी की हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगर इसका अगर कार्यकाल अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी कब हुई थी? आपकी 1998 के लगभग, इनकी 2003 में, इनकी 2009 के अंतर्गत, है ना। इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। न्यून में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमेलित है? तो सुमेलित है पूछा है, ना कि नहीं है। तो आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी आपके इसके अंतर्गत सुमेलित है। तो चांद बावड़ी की आभानेरी दौसा में है, त्रिमुखी बावड़ी चूरू के अंतर्गत है, नौलखा बावड़ी जयपुर में है, या झालीबाब बावड़ी सीकर में है। तो मैंने बावड़ियों के बारे में पिछले वीडियो के अंतर्गत अच्छे से समझाया था आप लोगों को, कितनी बावड़ियाँ बताई थी, मुँह जवानी बताई थी। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा कि जो आपका जो सुमेलित है वो कौन सी है, चांद बावड़ी है। चांद बावड़ी कहाँ आपके आभानेरी दौसा के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें। निम्न में से कौन सा खनिज खान सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है, विशेष उसमें सुमेलित था और इसमें नहीं है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो सीसा जस्ता है वो राजपुर दरीबा में मिलता है, मैगनीज है तो कालाकुंटा में मिलता है, लोहा अयस्क है डाबला गांव में मिलता है, तांबा है तो लीलवानी में मिलता है। तो उस कौन सा सुमेलित आपका नहीं है, तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपका तांबा है तो लीलवानी के अंतर्गत नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए तांबा कहाँ मिलता है, आपके खेतड़ी के अंतर्गत मिलता है। चलिए और खेतड़ी आपका आता है नीम का थाने के अंतर्गत, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करें वाकल, मेसवा और हतमती सहायक नदियाँ हैं। तो वाकल हो गई, मेसवा हो गई, हतमती नदियाँ हैं, वो किसकी सहायक नदियाँ हैं? माही की है, बनास की है, साबरमती की है, या चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो इसके जब राइट आंसर को अपन बात करेंगे तो ये साबरमती नदी की क्या है, सहायक नदियाँ हो जाती है। और साबरमती नदी का उद्गम स्थान बात करें तो अरावली की पहाड़ियाँ है, तो झाड़ोल उदयपुर के अंतर्गत से इसका क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थल माना जाता है। और प्रवाह कहाँ होता है, उदयपुर के अंतर्गत होता है, और ये समाप्त कहाँ होती है, खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो साबरमती नदी कौन सी है, तो आपके अरब सागरीय में जाने वाली क्या हो जाती है, आपकी अरब सागर के अंतर्गत जाने वाली कौन सी नदी हो जाती है, साबरमती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है? तो फुलवारी की नाल राजसमंद में है, केसरी बाग है जोधपुर में, धौलपुर में है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, शेरगढ़ बारा में है। तो इसमें कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है, तो आपको इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो जो फुलवारी की नाल है वो कहाँ है, राजसमंद में ना होकर कहाँ है, आपके उदयपुर में है, उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि यही आपका सुमेलित नहीं है। बात करें कि केसर बाग है वो धौलपुर में, बिल्कुल सही बात है, बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत भी है। अगर अपन बात करें बस्सी एक जयपुर में भी आता है, बस्सी वो नहीं पूछा गया, चित्तौड़गढ़ बस्सी वाला है ना, शेरगढ़ बारा के अंतर्गत है ही। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। निम्नलिखित में से शिलालेखों में प्रशस्ति और उनके उत्कीर्णन वर्ष का सही जोड़ा कौन सा है? तो जो अचलेश्वर शिलालेख है वो क्या 1285 ईस्वी के अंतर्गत आपका उत्कीर्ण हुआ है, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में मिला है, चिरुआ शिलालेख है वो 1987 ईस्वी में मिला है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो 1460 के अंतर्गत ये मिली है। चलो राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि इसके अंतर्गत जो राइट आंसर कौन सा होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, चिरुआ शिलालेख हो जाएगा। क्या, चिरुआ शिलालेख। इसका उत्कीर्णन कब हुआ है, 1200
चिरवासी लाल एक, ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। और इसका जो उत्कीर्णन हुआ है वो कब हुआ है, 1273 के अंतर्गत, कब हुआ है, 1273 के अंतर्गत हुआ है चिरवा अभिलेख का। ये कौन सी भाषा में हुआ था, वो संस्कृत भाषा के अंतर्गत हुआ था। और इसके जो शिल्पी थे वो कौन थे, देहलन थे है ना, इसका ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ओ सॉरी, एक सेकेंड आपको चयन करना है ना, सही जोड़ा कौन सा है, तो सही जोड़ा कौन सा हो जाएगा आपका, इसके अंतर्गत अपन बात करें कि सही जोड़े की, तो वो 1 2 3 है ना, तो सही जोड़ा तो बात आ गया है ना, तो गलत का ही तो अपने को बात करनी थी, तो चिरवा हो गया गलत, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट, या फिर अपन इसी क्वेश्चन को अगर सही कूट का बात करें तो 1 2 4 क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख लेना, आप कूट रहे चयन करना था, बिल्कुल वही बात है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, 18 अप्रैल 2006 को, 2 अक्टूबर 2005 को, 5 जून 2006 को, 12 मई 2005 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था वो आपके 18 अप्रैल 2006 को किया गया था, 18 अप्रैल 2006 को किया गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए, विंध्यान कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, तो जो आपके विंध्याचल है, कगार है, वो किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है ना, तो आपको बताना है, जो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार वगैरह है वो भी इसी के द्वारा बना हुआ है, आपको पता ही होगा अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो ये किसके द्वारा बना हुआ है, बेसाल्टों से बना हुआ है, क्वार्ट्ज से बना हुआ है, बालू का पत्थर से बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है, इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे, ये बना है बालू का पत्थरों से, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाले, अरे काफ़ी शानदार क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, कि दूल्हे के जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन से थे, सुंदरदास जी थे, रजत जी थे, रामपाल दास जी थे, या माधोदास जी थे। अपन बात करें जो आजीवन दूल्हे के वेश में काफ़ी बार क्वेश्चन बनाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो कौन से थे आपके, रजत जी थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। इनके लिए ये भी कहा गया था, आपको नहीं सुना होगा, रजब ते गजब करो सिर बांधी मोर, चले थे हरि भजन को करे नरक की ठोर, तो वो क्या है, शादी करने जा रहे थे, तब आपके दादू दयाल जी बोलते हैं उनको कि रजब ते गजब करो, यानी कि रजब तू क्या गजब कर रहा है, सिर बांधी मोर, जो आपके पगड़ी बांध रखी है क्या बांध रखा है ये, है ना, सिर बांधी मोर, चले थे हरि भजन को करे नरक की ठोर, यानी कि आप वो तो हरि भजन करने को चले थे लेकिन तू तो नरक की ठोर कर रहा है, यानी कि शादी करने जा रहा है, तो फिर उनके उपदेशों से ये प्रभावित होकर भाई साहब क्या करेगी, दूल्हे के वेश के अंतर्गत ही क्या करने लगे, ये तो आपके भजनों के अंदर या उपदेशों के अंतर्गत जो आपके संत वगैरह बन गए आप, और उसी आजीवन दूल्हे के वेश में ही अपना जीवन निकाला था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है, तो पर्युषण पर्व है वो कौन से समुदाय से संबंधित है आपका, सिंधी से है, सिख से है, जैन से है, या रामिस नई संप्रदाय से संबंधित है, तो अपने इसका राइट आंसर की अपन बात करें, पर्युषण मनाया जाता है वो जैन धर्मियों का होता है, कौन सा, जैन धर्मियों का, तो ऑप्शन नंबर सही यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। 1857 की क्रांति से आपको 2-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था, महाराजा मानसिंह था, महाराजा तगत सिंह था, महाराजा सरदार सिंह था, महाराजा भगत सिंह था, यानी भक्त सिंह था, तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि 1857 की क्रांति के समय भैया आपके जोधपुर के जो शासक थे वो थे महाराणा भगत सिंह, सॉरी तख्त सिंह थे, कौन से, तख्त सिंह थे, भगत सिंह नहीं, तख्त सिंह, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो वो कौन था, मैक मोशन कौन था, यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, तो इनका दोनों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित है, तो वो गौरी से है, स्वांग से है, जो भवाई नृत्य है उससे है, रम्मत से संबंधित है, तो प्रसिद्ध जो आपके थिएटर निर्देशक शांता गांधी थी वो कौन से नाट्य शैली से संबंधित थी आपके, तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें, ये भवाई नृत्य से संबंधित थी, किससे थी आपकी, भवाई नृत्य से संबंधित थी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, वो आता है बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों को उपलब्धियों का उल्लेख किया जाता है, तो बिजोलिया शिलालेख में किसके वंशों का उल्लेख किया जाता है, सिसोदियों का, चौहानों का, राठौड़ों का, या परमारों का किया जाता है, तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करें, बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत आपके जो किया जाता है वो किया जाता है चौहानों का वर्णन मिलता है, यानी चौहान जो शासक हुए उनका इसके अंतर्गत उल्लेख
देखने को मिलता है। अगर अपन बात करें बिजोली शिला लेख है, वो कब कौन से ईस्वी के अंतर्गत आपका हुआ था, तो वो उत्खनन हुआ था या फिर उत्कीर्ण हुआ था, वो आपके 1170 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। इसके अलावा अपन बात करें इसकी भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी बिजोली शिला लेख की, विशेष रूप से ध्यान रखना संस्कृत भाषा कई बार पूछा गया है, संस्कृत भाषा थी। इसके जो श्लोक थे वो 32 श्लोक थे, है ना। इसको और जो लेखक थे वो कौन थे, गुणभद्र, गुणभद्र है ना, कौन थे, गुणभद्र। इसका ध्यान रखना है, इन चीज़ों का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया। काफ़ी शानदार क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। तो प्रथम रोपवे उड़न कटोला, उड़न कटोले को ही रोपवे बोला जाता है ना, ध्यान रखना। उदयपुर में है, जालौर में है, जयपुर में है या आमेर में स्टार्ट किया गया था। अपन फर्स्ट रोपवे की बात करें तो वो जालौर के अंतर्गत, और जालौर में भी कहाँ, सुंदा माता के यहाँ, सुंदा माता जालौर के अंतर्गत ये फर्स्ट प्रथम रोपवे स्टार्ट किया गया था। चलिए आपके उदयपुर के अंतर्गत भी है, कौन सा है जो आपकी, कौन सा करणी माता का मंदिर है उसके अंतर्गत भी रोपवे लगा हुआ है। जयपुर के अंतर्गत भी है, आपके जो कोल वाले हनुमान जी है वहाँ पे लगा हुआ है। और जयपुर के अंतर्गत एक और कौन सा है, जो आपके वीर हनुमान जी, वीर हनुमान जी सामोद चौमू के अंतर्गत जो वीर हनुमान जी है वहाँ पे भी लगा हुआ है ना। तो आपको ध्यान रखना है, अजमेर के अंतर्गत भी है आपके, कौन सा रोपवे है अजमेर के अंतर्गत, जो सावित्री माता के मंदिर के अंतर्गत जाते हैं वहाँ पे आपका रोपवे लगा हुआ है। तो सबके अंतर्गत है, लेकिन प्रथम की बात की जाएगी तो जालौर सुंदा माता वाले रोपवे की बात की जाएगी। चलिए बात करिए, ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया था किसने किया था, साधु सीताराम दास ने किया था, मन्नालाल पटेल ने किया था, मोतीलाल तेजावत ने किया था, विजय सिंह पथिक ने किया था। तो ऊपर जो ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, तो ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 के अंतर्गत किया गई थी। कब की गई थी, 1917 में की गई थी, और किसने की थी आपकी, विजय सिंह पथिक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाते हैं, क्योंकि संस्थापक कौन थे, विजय सिंह पथिक थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे, मन्ना राम पटेल थे। कौन थे, मन्ना राम पटेल क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। तो भारतीय रेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, उदयपुर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है या पंचपदरा में। पंचपदरा कहाँ है, बालोतरा में है, ध्यान रखना। बालोतरा पहले क्या था, पंचपदरा बाड़मेर था, अब बालोतरा अलग जिला बन गया है, बालोतरा का ध्यान रखना। कहाँ है आपके, पंचपदरा बालोतरा के अंतर्गत है, ध्यान रखना है, ठीक है। बात करें भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे, वो कहाँ पे आपके, पंचपदरा के अंतर्गत ही है, और वो कौन से जिले में आता है, बालोतरा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। रमजोल किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है, रमजोल अवनद है, तत है, सुशीर है, घन है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि यह आपके रमजोल है, वो घनवाद्य यंत्र है। कौन सा है, घनवाद्य यंत्र है, और ये होली, होली के अवसर पर बजाया जाता है। इसके अलावा जो गैर नृत्य करने वाले होते हैं वो भी बजाते हैं, है ना। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल की संतुष्टि की थी, तो वो कौन थे, राज अमरनाथ आयोग था, पंची आयोग था, साह आयोग था या लिब्राहन आयोग था। इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके कौन थे, पुंछी आयोग, कौन से, पुंछी आयोग ने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष की एक नियमित कार्यकाल की संतुष्टि की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। पंचीडा गीत मत कर देना, पंची आयोग है ये, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार का अंतर कितना है। तो उत्तर से दक्षिण की अपन बात करें, उत्तर से लेकर दक्षिण के अंतर्गत आपके कितना है, 826 किलोमीटर की दूरी है। अगर अपन बात करें कि अगर चौड़ाई की बात करें, यानी कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम के अंतर्गत पहले कितना हो गया, आपकी लंबाई कितनी होगी 826, और चौड़ाई की बात करेंगे 869, कितनी है आपकी, 869 है इसकी। अगर अपन बात करें कि इन दोनों के अंतर्गत अंतराल कितना है, तो अंतराल कितना हो जाता है इसके, जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, अगर इनका डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 43 किलोमीटर का हो जाएगा, है ना। डिफरेंस निकालोगे तो 43 किलोमीटर का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। और दोनों दूरियों को भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए राजस्थान की सर्वोच्च ऊंचे पठार कौन सा है, तो मिसा का पठार है, हड़ौती का पठार है, बोराट का पठार है या उड़िया का पठार है। तो राजस्थान का सर्वोच्च ऊंचे पठार की जब बात की जाएगी तो वो कौन सा पठार है आपका, उड़िया का पठार है, सिरोही के अंतर्गत स्थित है, ध्यान रखना। उड़िया का पठार कहाँ पर है आपके, सिरोही के अंतर्गत स्थित है। और अपन बात करें इसकी ऊंचाई की, तो 1360 मीटर है, कितनी, 1360 मीटर है। और सर्वोच्च ऊंची चोटी पूछी जाए तो गुरु शिखर है, कौन से पर्वतों के अंतर्गत, गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, 1722। और उड़िया पठार की ऊंचाई है वो कितनी है, 1360 मीटर है। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्धता क्षेत्र सुमेलित नहीं है। तो कौन से है ना, आपके बीकानेर गंगानगर जिले में है, जो गंदेली सेवा है वो आपके चूरू में है, गजनेर पन्नालाल बैरूपाल
है वो बीकानेर नागौर में है, राजीव गांधी है वो आपके जैसलमेर में। तो सुमेलित आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपका राजीव गांधी है, तो जो राजीव गांधी कैनाल से लाभान्वित ज़िले हैं वो बीकानेर और जोधपुर होते हैं, जैसलमेर नहीं है। कौन सा? बीकानेर और जोधपुर, बीकानेर जोधपुर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग का, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो नेशनल हाईवे 44 है वो किससे? भरतपुर से गुजरता है, करौली से, सवाईमाधोपुर से, या धौलपुर से गुजरता है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो नेशनल हाईवे 34 है, सॉरी 44 है ना, सॉरी ये बोलने में हो गया लेकिन आपको दिख रहा होगा, राजमार्ग यानी कि 44 यानी नेशनल हाईवे 44 है वो कौन से राज्य से गुजरता है? तो वो धौलपुर से गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। छतरियों के नाम से ऐसे याद रखना कि एक या दो छतरी तो 100% आपके एग्जामों के अंतर्गत पूछी जाती है। 84 खंभों की छतरियों का निर्माण किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था, राव जो शत्रु साल थे उन्होंने करवाया था, महाराव बुद्ध सिंह ने करवाया था, या महाराव विष्णु सिंह ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि 84 खंभों की छतरी थी उसका निर्माण जो आपके राव अनिरुद्ध ने करवाया था, किसने करवाया था? अनिरुद्ध ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ है? बूंदी में है, लेकिन आपको क्वेश्चन में पहले ही दिया गया है ना। चलो छोड़िए, अपन बात करेंगे, आपको बताना है मूसी महारानी की छतरी कहाँ है ना, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बताना है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है और कितने खंभों की है, ये दोनों मेंशन करने हैं आपको। चलिए आज की क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। घोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपि में लिपिबद्ध है? तो प्राकृतिक है, राजस्थानी है, अपभ्रंश है, या संस्कृत भाषा के अंतर्गत लिपिबद्ध है? तो इसको जब बात करेंगे घोसुंडी शिलालेख, तो घोसुंडी शिलालेख है वो आपके संस्कृत भाषा में है ना, संस्कृत भाषा में मिला है और ब्रह्म लिपि में उत्कीर्णन हुआ है। तो ब्रह्म तो लिपि थी और आपकी कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। आपको इसके साथ साथ ही आपको ये तो बताना ही है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, कितने खंभों की है, उसके साथ ही आपको ये भी बताना है कि घोसुंडी शिलालेख जो कहाँ पर है, तो ये भी बताना आपको है ना। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।